प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम प्रेरित काल अथवा प्रेषण काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व की त्योहार मनाती है। हमको मालूम है पंतकोस्त पर्व के बाद जो इतवार आता है, उस इतवार को हम पवित्र त्रित्व के त्योहार मनाते हैं। एडी 820 में पापा एस्तेफानोस ने ये जो पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाना शुरू किया और उसके बाद में आए योहन 22वां पापा ने आदेश दिया कि पंतकोस्त पर्व के बाद में जो इतवार आता है उस इतवार को पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाना चाहिए। तब से पंतकोस्त पर्व के बाद में आने वाले इतवार के दिन माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाती रहती है। तो आप सबको इस त्योहार का मुबारक हो। हमको मालूम है पवित्र त्रित्व हमारे सोच के परे है, यानी हम हमारे बुद्धि से पवित्र त्रित्व को समझ नहीं सकता। पर हमको मालूम है बाइबल में कितने बार पवित्र त्रित्व शब्द लिखा है, मालूम है? यानी समझ से बाइबल में कितने बार लिखा है पवित्र त्रित्व ये जो शब्द इंग्लिश बच्चे नहीं तो बाकी लोग बोल सकते हैं। कहां भी नहीं लिखा है पवित्र त्रित्व ये शब्द बाइबल में कहां भी नहीं लिखा है, लेकिन दो अवसर पर हमको पवित्र त्रित्व के उपस्थिति को देख सकते हैं। पहला कौन सा है? यीशु के बपतिस्मा के समय। उस समय स्वर्ग से आवाज आया, पिता परमेश्वर की आवाज आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हूं। और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे और पवित्र आत्मा के समझते थे कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा है। यीशु के बपतिस्मा के समय आप पवित्र त्रित्व को देख सकते हैं। और दूसरा कहा है, हर साल तो आप पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते रहते हैं, आप लोग वाशुकी सुनते रहते हैं, हर एक फाद लोग आने वाला वाशुकी देते रहते हैं। दूसरे कौन से जगह पे हमको देखने के लिए मिलता है? यीशु के रूपांतरण के समय। उसी समय भी पिता परमेश्वर का आवाज सुनने को आया और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया और पवित्र आत्मा मेघ के रूप में आकाश में दिखाई दिया। ये जो दो जगह पे हमको पवित्र त्रित्व का उपस्थिति बाइबल में देखने के लिए मिलते हैं, एक है प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरीकरण के समय। और जैसे मैंने बोला ये जो त्रित्व एक रहस्य है, इसको हम अपने दिमाग से समझ नहीं सकते, हमारे दिमाग से परे है। इसको हम अपने दिल दिमाग लगाते हुए, अपने लॉजिक लगाते हुए हम पवित्र त्रित्व को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। संत अगस्तीन का गणना है, एक दिन वह एक समुद्र के किनारे से चल रहे थे, तब उन्होंने देखा एक लड़का समुद्र के किनारे एक छोटा सा गड्ढा बनाया और समुद्र का पानी वहां से लेकर गड्ढे में डालकर समुद्र को काली करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो संत अगस्तीन ने देखा और उन्होंने उस बच्चे को पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो लड़के ने बोला, मैं समुद्र काली कर रहे हैं। तो अगस्तीन ने बोला, ये तो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तो उस बच्चे ने संत अगस्तीन को बोला, तुम क्या सोचते हैं, इससे भी असंभव की बात है, क्योंकि संत अगस्तीन पवित्र त्रित्व के बारे में सोचते हुए चल रहे थे। तो उस बच्चे ने अगस्तीन को बोला, तुम जो सोचते हैं इससे भी असंभव की बात है। यानी बोलने का तात्पर्य इतना ही है कि पवित्र त्रित्व को एक रहस्य है, उसको समझना हमारे बुद्धि के, हमारे दिमाग के, हमारे लॉजिक के ऊपर है, परे है। पर हमको मालूम है, हम विश्वास करते हैं कि कितना ईश्वर है। कलीसिया हमको क्या सिखाती है? कितना ईश्वर है? एक ही ईश्वर है, लेकिन एक ही ईश्वर में तीन व्यक्ति है। कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक ऐसे एक बनता है, मैंने एक बात तो बताया था पिछले संडे के, इसके पहले के संडे को मैंने बताया था, ये त्रित्व कैसे एक बनता है, कहां एक बनता है?
प्यार में एक बनता है, ने पिता परमेश्वर का प्यार है प्रभु ईसा मसीह, और पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह का प्यार है पवित्र आत्मा। ये तीन व्यक्ति है लेकिन एक ही ईश्वर है। जो पिता को देखते हैं वो पुत्र को भी देखते हैं। इससे बाइबल में लिखा है जो मुझे देखा है पिता को भी देख लिया है। नहीं, एक ही ईश्वर है, उसी एक ही ईश्वर में तीन व्यक्तियां हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीन व्यक्तियां प्यार में एक बने रहते हैं। तो हमको भी हमारे जिंदगी में भी हमको भी प्यार में एक बनना चाहिए। मैंने बोला था हम एक साथ चलने से, एक साथ यात्रा करने से, एक साथ सोने से हम एक नहीं बनता। एक बनना तो हमको कहां बनना चाहिए? प्यार में एक बनना चाहिए। और आज के समाचार में भी हमने पढ़ के सुना है तीन लोगों को हमको वहां देखने के लिए मिलता है, एक एक पापिनी स्त्री, और दूसरा है एक वरिष्ठ व्यक्ति, और तीसरा प्रभु ईसा मसीह। और ये तीन प्रकार के अलग प्रकार के लोग हैं और तीनों का स्वभाव अलग है। पापिनी स्त्री ने क्या किया? पापिनी स्त्री का स्वभाव क्या है? उन्होंने अपने पापों के ऊपर पश्चाताप किया और अपने जिंदगी सुधारने के लिए कोशिश किया। जब उनको मालूम हो गया मैंने अभी तक जो कर रहे थे वह गलत है, सही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? अपने जिंदगी को सुधारने के लिए निर्णय लिया, यानी अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगा और निर्णय लिया आज से मैं इसी प्रकार का पाप नहीं करेंगे, इसी प्रकार के बुरे आदत में नहीं चलेंगे, नहीं तो बुरे आदतों को बुरे सोच विचारों को मैं छोड़ देंगे, ऐसा और पापिनी स्त्री ने निर्णय लिया। तो पहला है पापिनी स्त्री, उनका स्वभाव है उन्होंने किए हुए सभी पापों के लिए प्रभु से माफी मांगा और अपने जिंदगी सुधारने का निर्णय लिया। और दूसरा है फरीसी। फरीसी क्या किया? यीशु को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। जब पापिनी स्त्री को मालूम हो गया यीशु उनके घर में खाने के लिए गया है, पापिनी स्त्री उस फरीसी के घर में गया और उसको यीशु के पैर को अपने आंसू से धोया, उसको चुंबन दिया और उसके सिर पे इत्र लेबल किया। ये सब करते समय ये फरीसी व्यक्ति अपने मन में क्या सोचा? अगर यीशु सच में नबी है, एक ईश्वर है, तो उसको मालूम होगा कि स्त्री का स्वभाव क्या है। उसको मालूम होना चाहिए कि ये स्त्री पापिनी है, अपने को छूने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, परमिशन नहीं देना चाहिए। तो फरीसी अपने मन में सोचते हैं कि ईश्वर को कुछ पता नहीं है, कि नबी नहीं है, इसको मालूम नहीं कि ये स्त्री कौन है, एक स्त्री का स्वभाव क्या है, ये मालूम नहीं करके फरीसी सोचते रहते हैं। यानी बोलने का तालिक रहता है, फरीसी का स्वभाव है दूसरों को दोष को ढूंढ के निकालना और उसको दूसरों को बताते रहना, ये फरीसी का स्वभाव। उन्होंने क्या किया? जो पापिनी स्त्री ने क्या किया, उनके पापों के ऊपर पश्चाताप किया, ईश्वर से माफी मांगा, अपनी जिंदगी को सुधारने का निर्णय लिया, लेकिन उस स्त्री के ऊपर फरीसी मनुष्य ने क्या किया? आरोप लगाए कि इस स्त्री ऐसा ही है, पापिनी स्त्री है। अरे सुधारने के लिए निर्णय लेने के बावजूद भी हम भी कभी कभी ये फरीसी की जैसे दूसरों के ऊपर अपने उंगली उड़ाते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली दूसरों के सामने उड़ाते हैं बाकी चार उंगली किसके तरफ है? अपने तरफ है। अरे जब भी हम किसी को दोष लगाते हैं, किसी के ऊपर उंगली उड़ाते हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए कि जब हम एक उंगली दूसरों के सामने उड़ाते हैं बाकी चार उंगली अपने तरफ है। पहले हमको अपने आप को सुधारना चाहिए, इसलिए बाइबल में लिखा है पहले तुम्हारे आंख में जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको निकाल दो, उसके बाद में जाके दूसरों का आंखों का तिनका निकालने के लिए कोशिश करो। अरे ये जो फरीसी का स्वभाव है कि दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहने का। और तीसरा व्यक्ति कौन है? प्रभु ईसा मसीह। उन्होंने क्या किया? जितना भी पाप किया उस स्त्री ने, जब उन्होंने पश्चाताप किया, माफी मांगा, तो प्रभु ने उसको क्षमा किया। पर हमको भी अपने जिंदगी में एक दूसरे को क्षमा देना जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं देंगे तब तक हमारे पापों को भी ईश्वर क्षमा नहीं करता। अरे अगर हमारे जिंदगी में अगर हम बीमारी से पीड़ित है, अरे बहुत सारे लोग बीमारी से पीड़ित है, क्यों उनका बीमारी नहीं निकलते हैं?
क्योंकि मन में दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं, यानी मन में दूसरों के प्रति दोष सोचते रहते हैं, दूसरों को आरोप लगाते रहते हैं। हम रोज प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता, जो प्रार्थना में प्रार्थना करते रहते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा करना। अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करता तो ईश्वर हमारे पापों को भी क्षमा नहीं करेगा। हम ईश्वर के सामने यही बोलते हैं, जैसे मैं क्षमा करता हूं वैसे मेरे पापों को भी क्षमा करना। अगर मैं क्षमा नहीं करता हूं तो ईश्वर को हम सीधा बताते हैं कि मेरे पापों को भी क्षमा नहीं करना। इसलिए जो हम प्रार्थना बोलते हैं उसको अर्थ को समझते हुए हर एक प्रार्थना बोलने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं रोज, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा करना। अगर जैसे हम क्षमा करते हैं वैसे ईश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे तो हम ईश्वर के सामने कैसे रहता तो हमको पता होना चाहिए। अरे बोलने का तात्पर्य इतना है, तीन प्रकार के लोगों को आज के समाज में हमको देखने के लिए मिला है। एक है पापी स्त्री, उन्होंने जो भी पाप किया, जो भी बुरे आदत में था उस सब छोड़ने के लिए, अपने पापों के ऊपर पश्चाताप करने के लिए, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कोशिश किया, ईश्वर से माफी मांगा और वह आगे बढ़ा। अरे हमको भी इस पापी स्त्री के जैसे क्या करना चाहिए, हमारे पापों के ऊपर पश्चाताप करना चाहिए, हमने जो भी पाप किए हैं उस पाप के लिए ईश्वर से माफी मांगना चाहिए, अपने जिंदगी सुधारने का निर्णय लेना चाहिए और ईश्वर की कृपा मांगते हुए हमको भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है फरीसी व्यक्ति, उनका स्वभाव है हमेशा दूसरों को दोष को ढूंढते रहना, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहना, दूसरों के बारे में बुरे चीज बोलते रहना। ये जो स्वभाव क्या है हमको अपने जिंदगी में अपनाना नहीं चाहिए, उसको हम छोड़ना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि जब हम एक दूसरे को आरोप लगाते हैं तो हम अपने ऊपर ही आरोप लगाते हैं। इसलिए हमको पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, बाद में हम जाके एक दूसरे को सुधार करेंगे। कहानी है कि एक आदमी ने सोचा कि मैं पूरे विश्व को सुधार लूंगा, इसलिए उन्होंने अपने घर से निकल गया और 10-15 साल उन्होंने कोशिश किया। उसके बाद में उसको पता चला कि इस दुनिया को सुधारना मेरे से पॉसिबल नहीं है और बाद में उन्होंने सोचा कि दुनिया को छोड़ देंगे, मैं अपने देश को सुधार लूंगा। 10-15 साल अपने देश सुधारने के लिए उन्होंने कोशिश किया। उसके बाद में उनको पता चला कि देश को भी सुधारना मुझे पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने सोचा ठीक है देश को भी छोड़ दो, मैं अपने राज्य को सुधार लूंगा। तो राज्य को सुधारने के लिए उन्होंने कोशिश किया, बाद में उसको पता चला कि वो भी उतना आसान काम नहीं है। तो आखिरी उन्होंने सोचा मैं क्या करूंगा, कम से कम अपने परिवार को सुधार लूंगा। तो कुछ साल के बाद में, कुछ महीने के बाद में उस आदमी को पता चला कि परिवार को भी सुधारना उतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए उन्होंने आखिर क्या सोचा, मैं खुद को सुधारूंगा। यानी तब तक उनका उम्र 90 साल का हो गया था, 2 साल के बाद में उनका मृत्यु भी हुआ। यानी पूरे दुनिया को, देश को, राज्य को, परिवार को, समाज को सुधारने के लिए पूरा जिंदगी बिता लिया, आखिर में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपने आप को सुधारते हुए, अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए और ईश्वर के जैसे हमको भी एक दूसरे को क्षमा देना चाहिए, तभी हमारे पापों को भी क्षमा हमें मिलते हैं। तो हम एक दूसरे को क्षमा देते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करते हुए आगे बढ़ने की कृपा ईश्वर से मांगे। ईश्वर हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।